नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था 6 नवंबर को। दोस्तों जो युद्ध होते हैं, युद्ध में जब परमाणु बम या जो भी होता है, जिस रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, उसमें पर्यावरण का काफ़ी नुकसान होता है, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है, और युद्ध इन युद्धों को रोकने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह 6 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जी ट्वेंटी देशों के 6ठे शिखर सम्मेलन का जो संबोधन हुआ है, जो संबोधित किया हो, किसने किया है? तो किया है ओम बिड़ला ने इसका संबोधन किया है। अब बात आती है G20 के देशों की। तो G20 में आप सीधा सोच रहे होंगे कि G20 होता है 20 देशों का समूह, लेकिन नहीं, ये 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन, 19 देश होते हैं प्लस एक यूरोपीय यूनियन को मिलकर G20 बनाया जाता है, बनता है। और इसकी जो G20 इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम पे, वो हैं सिंजो अबे इस टाइम के इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम की शुरुआत हुई है? तो जो हेल्थ एटीएम की शुरुआत हुई है वो लखनऊ में हुई है, जो कि 16 बीमारियों की जाँच करता है। ये 16 बीमारियों की जांच करता है, जिसमें से अगर आप 100 रुपये पे करते हैं तो वो 9 मिनट तक, वो मशीन आपकी 9 मिनट तक जांच करेगी। और अगर आप 50 100 करेंगे तो 9 मिनट, अगर 50 रुपये पे करेंगे तो ये 6 मिनट जांच करेगी। तो ये 16 बीमारियों की जांच करती है मशीन, एटीएम हेल्थ जो है ये 16 बीमारियों की जाँच करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूयॉर्क आधारित बॉर्न ग्रुप है, ये इसका अधिग्रहण किसने किया है? तो ये किया है टेक महिंद्रा ने, ये होगा टेक महिंद्रा, ये है टेक महिंद्रा ने किया है। बात आई टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा जो है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो है पुणे में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो ये हैं सीपी गुरनानी। और यहाँ इनके प्रेसिडेंट कौन है महिंद्रा टेक के? ये हैं आनंद महिंद्रा, इसके प्रेसिडेंट हैं टेच महिंद्रा के। जो टेच महिंद्रा है वो टेक्निकल, जैसे मोबाइल लैपटॉप होते हैं, इनमें टैबलेट, इनकी टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए ये टेक महिंद्रा का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के इंस्टेंट डिजिटल से विंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका जो है किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अभी इस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1917 में। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो हैं समित घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति शाला जो है उस दर्पण पोर्टल का शुभारम्भ किसने किया है? जो नवोदय विद्यालय समिति के शाला दर्पण पोर्टल का शुभारम्भ किया है किसने किया है? संजय धोत्रे ने किया है। और यह प्रेजेंट टाइम के मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग को ठीक करने वाली दवा को मंजूरी दे दी है? तो यह चीन है, चीन ने इस दवा की मंजूरी दी है सॉरी। और चीन के कैपिटल क्या है? तो यह बीजिंग। और यहाँ करेंसी क्या है? तो यह रेन मिबी यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं चीन के सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु नानक देव संबंधित जो पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किया है रमेश पोखरियाल निशांक ने इसका विमोचन किया है इस पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पावर कंटिन्यूटी मजबूत करने के लिए भारत ने एडीबी के साथ 451 मिलियन डॉलर का
जो है वो समझौता किया है, तो समझौता किया है तमिलनाडु ने, तमिलनाडु ने, तमिलनाडु की सरकार जो है यहाँ की पावर कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए जो भारत है वो एडीबी के साथ $451 का समझौता किया है तमिलनाडु राज्य के लिए। अब बात आई तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, यहाँ के सीएम कौन है, के पी पालन स्वामी जो है यहाँ के सीएम है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो यहाँ के गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं तमिलनाडु के। अब बात करते हैं एडीबी की, एडीबी क्या है, तो ये है एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी का फुल फॉर्म। एडीबी आप सुनते होंगे काफ़ी ब्रांचों का नाम एडीबी करके होता है, जैसे एडीबी स्टेट बैंक, एडीबी इलाहाबाद बैंक, तो यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, मनीला कहाँ पे है, यह है फलिंसिन में इसका, ये मनीला पड़ता है इसका हेडक्वार्टर्स है। और इस टाइम जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं ताके हिका नकाओ, लेकिन इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है, इसलिए अभी प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है अभी खाली है, अभी इस पर कोई पोस्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 दिवसीय सिमटेक कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में इसका आयोजन होगा, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में होगा। अब बात करते हैं बिमेस्टिक क्या है, तो ये बिमेस्टिक स्पेलिंग है BIMSTEC, बिमेस्टिक की फुल फॉर्म क्या होगी, बाय ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी एस्कॉर्ट टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1997 में, और 1997 में हुई थी, लेकिन अभी इसके जो चेयरमैन ही है, चेयरमैन किस कौन है इसके और किस देश के हैं, तो इस समय ढाका के, जो श्रीलंका की राजधानी ढाका के पास इसके इसके चेयरमैन ही है। और यह जो है यह 7 देशों का समूह होता है, जो है बिमेस्टिक के 7 देशों का समूह होता है, जिसमें से बांग्लादेश, नेपाल, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान इसके सदस्य हैं इस बिमेस्टिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भास्कर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जो चैंपियनशिप है उसमें कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने एशियन शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो हुआ था, ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे हुई, तो हुई है कतर के दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में इसकी जो है ये चैंपियनशिप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग हिमाचल प्रदेश का उद्घाटन किसने किया है, तो ये नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं, इसकी राजधानी क्या है, तो ये शिमला है, और यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं भंडारी दत्ता धारू यहाँ के गवर्नर हैं। दोस्तों कल की वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो यह हाल ही में 5 नवंबर को मनाया गया था, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। दोस्तों आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीधरन पिल्लई ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो ये हमने इसके बारे में कल भी आपको बताया था, तो इन्होंने किस राज्य में राज्यपाल की शपथ ली है, जिसमें से 4 ऑप्शन है गोवा, केरल, मिजोरम या गुजरात, किस राज्य में ये राज्यपाल बने हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इस जानकारी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।